ये देखो आप, ये हमारा देसी फ्राइड चिकन कितना क्रिस्पी है। क्रिस्पी नहीं है तो अंदर से काफी सॉफ्ट भी है। तो दोस्तों इसको बनाना बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चिकन के लेग के पीसेस और मैं यहाँ पर सिर्फ लेग पीसेस ही यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप पूरा चिकन ले सकते हो। अपने सारे पीसेस में ऐसे आपको गैशेस बनाने हैं, मतलब यानी कि धार लगानी है ताकि इसमें हमारी जितनी भी मैरिनेशन है सारे फ्लेवर्स अंदर अच्छे से जाएं। तो सारे चिकन पीसेस हो गए हैं तैयार। अब जो पहला स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो करना, आप नहीं चाहो तो मत करना क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। लेकिन मैं तो ऐसा करता हूँ कि पहले अपने सारे चिकन के पीसेस को पानी में डालता हूँ, लगभग जैसे मान लो 1 टेबलस्पून नमक, यानी नमक के पानी में चिकन को अच्छे से डुबा के रखता हूँ रेफ्रिजरेटर के अंदर। इसको वैसे कहते हैं ब्राइनिंग, और ब्राइनिंग से चिकन का जो मॉइस्चर लेवल है यानी कि चिकन जूसी काफी बनता है, और यही नहीं चिकन के अंदर के प्रोटीन स्ट्रक्चर भी बदल जाते हैं। आप चाहो तो आप करना, नहीं तो मैरिनेशन से भी चिकन काफी सॉफ्ट तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर ब्राइन में मैंने चिकन को लगभग 2 घंटे के लिए रखा था। छोटे चिकन पीसेस हो तो 1 घंटे में भी काम हो जाता है बहुत आराम से। तो अब शुरू करते हैं मैरिनेशन से। तो ये सारा पानी आप पहले फेंक दो, चिकन को अच्छे से धो लो ताकि जितना भी एक्स्ट्रा नमक हो वो सारा निकल जाए। और अब फर्स्ट मैरिनेशन के लिए यहाँ पर आपको लेना है काफी सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, लगभग 2 टेबलस्पून से भी ज्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर लिया है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर ले थोड़ा सा नमक और 1 नींबू का रस। बेसिकली फर्स्ट मैरिनेशन चिकन की सारी स्मेल को खत्म कर देगी और इसी की वजह से अंदर तक जो टेस्ट है वो जाएगा। तब इस मैरिनेशन को अच्छे से चिकन पे रब करना और लगभग चिकन को आधे से 1 घंटे के लिए ढक के रख देना। आधे से 1 घंटे के बाद हम देख लेते हैं हमारी दूसरी मैरिनेशन किस चीज की है। बेसिकली मसालों की ही है। तो दूसरी मैरिनेशन के लिए यहाँ पर आपको डालना है काफी सारा लाल मिर्च पाउडर, उससे भी ज्यादा धनिया पाउडर आपको यहाँ पर काफी बहुत ज्यादा डालना है, लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास डाला है मैंने यहाँ पे। भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। आखिर में आपको डालना है कसूरी मेथी। ये तो हो गई मैरिनेशन की बात। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ने के लिए आप यहाँ पर डालें लगभग 2 टेबलस्पून तक दही। और बस ध्यान आपको ये देना है कि दही में पानी बहुत कम होना चाहिए, पानी ना के बराबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर डालें 1 अंडा और इसको बहुत ही अच्छे से मिला लें। अब आप बोलोगे कि भरत तुमने तो इसमें कलर डाला ही नहीं है, कलर के लिए हम क्या डालेंगे यहाँ पर। कलर तो मैं नहीं डालने वाला, लेकिन मैं जो डालने वाला हूँ वो है कश्मीरी लाल मिर्च। लगभग 2 टीस्पून तक भर के कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है। अब इन सब मैरिनेशन को अच्छे से चिकन में हम मसाज करते हुए बहुत ही अच्छे से मिलाएं ताकि इसके अंदर तक बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्ट जाए, सारे फ्लेवर्स अच्छे से अंदर घुस जाए इसके। बहुत ही अच्छे से आपको इसको मसाज करना है। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये मेरा बोल बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर मैंने अपना बोल बदला। और बोल बदलने के बाद यहाँ पर आप डाले थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर, जो भी आप कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने डाला है मैदा, बस इसको भी आप बहुत ही अच्छे से हर चीज को मिलाएं। ये जो कॉर्न स्टार्च और मैदा है, जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है इसके अंदर, उसको एकदम पी जाएगा और एकदम चिकन में बहुत ही बढ़िया कोटिंग आएगी। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से मिलाएं। ये देखो आपकी मैरिनेशन और भी डेंस हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चिकन को और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ ताकि मैरिनेशन अच्छे से चिपक जाए। आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली फ्राई कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो इसको छोड़ देता हूँ ताकि अंदर तक सारे फ्लेवर जाए, जितनी भी मैरिनेशन है वो चिकन में बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक जाए। तो बस अब हमें चिकन को फ्राई करना है। मैंने तेल को रखा है मीडियम हाई फ्लेम पे ही। अब मेन बात तो ये है कि चिकन को फ्राई करने में टाइम लगता ही लगता है, खासकर लेग पीस को फ्राई करने में टाइम तो लगता ही लगता है। इतने में क्या होता है कि हमारी कोटिंग पूरी जल जाती है और अंदर चिकन तब जाके पकता है, यानी कि काफी देर बाद। तो बड़े बड़े जो मार्केट में जो कढ़ाइयां होती हैं उनमें तो चिकन अच्छे से डूबा होता है तो जल्दी पक जाता है। अब घर पे ऐसे छोटी कढ़ाई में कैसे करें, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करना। तो बस जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप यहाँ पर डालें एक एक करके अपने चिकन के सारे पीसेस। ध्यान बस आप ये देना कि आपकी कढ़ाई में पूरा तेल भरा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आधा भरा होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एकदम पूरा ऊपर तक तेल भरा हुआ है, क्योंकि जो मैं स्टेप करने वाला हूँ उससे आपका तेल बाहर भी आ सकता है। तो जब चिकन को लगभग 1 मिनट हो जाए पकते हुए, थोड़ा पकना शुरू हो जाए, तो आप इसको ढक दें। अब अगर आपका तेल बहुत ज्यादा होगा तो ये स्टीम की वजह से जो तेल है वो कढ़ाई के बाहर आने लग जाएगा।
तो आप तेल कढ़ाई में बहुत ज्यादा बिल्कुल भी मत रखना, बस चिकन को आपको प्रेशर से पकाना है। तो अब इसको ढकें और 10 मिनट के लिए चिकन को बिल्कुल छोड़ दें, इसको छेड़े ना, तेल में इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दें अच्छे से। जितना प्रेशर लगेगा चिकन पे उतना चिकन अंदर से बढ़िया तरीके से पकेगा। तो मैं तो चिकन को फ्राई करता हूँ लगभग 12 से 15 मिनट तक, वो भी थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन तब चिकन अंदर से पूरा पक जाता है, बाहर से कोटिंग एकदम सही रहती है। तो ये मेरे लिए तो बेस्ट टाइम, ताकि अंदर तक बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाए। और 10 मिनट के बाद ये देखो आपका चिकन फ्राई पूरा तैयार। नहीं, अभी भी एक स्टेप तो रहता ही है, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगी, एक छोटा सा स्टेप रहता है। अब क्या है कि अब आप इस चिकन को निकालोगे तो इस चिकन अपने जूसेस छोड़ना शुरू करते हैं। जब जूसेस छोड़ना शुरू करते हैं तो हमारी कोटिंग सारी लूज जाती है, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहती। तो उसको सेट करने के लिए आप चिकन को पहले तेल से निकालो, इसको लगभग 10-15 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट करने दो, और फिर आप तेल को करो सुपर हाई फ्लेम पे, एकदम हाई फ्लेम पे आपका तेल होना चाहिए, और तेल गर्म होना चाहिए, यानी कि इसमें से धुआं निकलना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए। और सीधा जैसे ही आपका तेल गर्म हो, फटाक से आपने थोड़े से चिकन के पीसेस डालो जितने भी आपकी कढ़ाई में फिट आ जाए, और उसको फिर से ढक के सिर्फ 2 मिनट तक पकाओ। और 2 मिनट के बाद लो जी, आपका हो गया है फ्राइड चिकन पूरा तैयार। तो दोस्तों, इस रमजान महीने ही बल्कि अब ये फ्राई चिकन इतना सिंपल है कि आप कभी भी इसको बना के खा सकते हो। थोड़ा ब्राइनिंग वाली बात है, अगर आप चाहो तो आप करना, अगर आप ना चाहो तो आप मत करना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।